नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M3 versus Tecno Spark 70 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco M3 में 6.39 इंच जबकि Tecno Spark 70 में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco M3 में 3.04 इंच जबकि Tecno Spark 70 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है जो कि Poco M3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco M3 में 0.38 इंच जबकि Tecno Spark 70 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M3 में 197 ग्राम जबकि Tecno Spark 70 में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Poco M3 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Poco M3 में 19:5:9 जबकि Tecno Spark 70 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M3 में 6.53 इंचेस जबकि Tecno Spark 70 में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco M3 में 1080x2340 और Tecno Spark 70 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M3 में 83.25% जबकि Tecno Spark 70 में 81.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M3 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Tecno Spark 70 में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M3 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मारो कैमरा देखने को मिलता है। और Tecno Spark 70 की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco M3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Tecno Spark 70 की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco M3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Tecno Spark 70 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco M3 में Adreno 610 जबकि Tecno Spark 70 में Powerwer GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco M3 में Qualcomm Snapdragon 662 और Tecno Spark 70 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Tecno Spark 70 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco M3 में अप टू 512GB जबकि Tecno Spark 70 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco M3 में Android V10 क्यू जबकि Tecno Spark 70 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
पोको M3 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें टेक्नो स्पार्क 70 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Poco M3 में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क 70 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको M3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले है, दूसरा मोटो G60 है, तीसरा नोकिया G20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A16 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।